चुनाव में तीसरे चरण की 93 सीटों का फैसला आज मतपेटी यानी ईवीएम में बंद हो गया। इन्हें मिलाकर लोकसभा की अब तक आधी से ज्यादा सीटें लॉक हो चुकी हैं। लेकिन मतपेटी के साथ साथ आज मुद्दा पेटी में भी काफी कुछ स्टोर हुआ। लालू यादव ने एक बयान देकर धार्मिक आरक्षण का मुद्दा फिर गर्म कर दिया, हालांकि बाद में पलटते भी दिखे। वहीं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने एक बयान देकर बीजेपी को फिर मौका दे दिया कि वो राम मंदिर को लेकर इंडिया अलायंस को फिर घेरने निकल पड़े। तो मुद्दा पेटी पर बाद में बात करेंगे, पहले बात मत पेटी की। अगले 5 से 6 मिनट में हम आपको आज की वोटिंग हाइलाइट्स दिखाएंगे, आज का स्कोर बताएंगे और ये भी बताएंगे कि 3 राउंड की वोटिंग के बाद भी कुछ राजनीतिक दलों को वोटिंग पर अविश्वास क्यों हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पोलिंग सेंटर पर सुबह मतदान किया। गृह मंत्री और गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह भी वहां थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने परिवार के साथ कर्नाटक में वोट दिया। शरद पवार ने 10 साल बाद बारामती में मतदान किया, यहां उनकी बेटी और बहू में टक्कर थी। मैनपुरी में अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने वोट दिए। इनके अलावा भी जितने बड़े नेता और वीआईपीज हैं वो भी वोट देने परिवार के साथ पहुंचे। वोट देने के बाद जीत के दावे भी किए। प्रधानमंत्री ने भी चौथे चरण की रैली में कहा कि 4 जून को 400 पार करने जा रहे हैं। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। कौन बचाएगा आपको? मोदी नहीं, आपका एक वोट बचाएगा। आप मोदी को वोट देकर के मजबूत बनाइए, मोदी आपके लिए लड़ता रहेगा। कुछ अपवाद छोड़ दें तो तीसरे दौर की वोटिंग पहले 2 राउंड के मुकाबले शांतिपूर्ण थी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी और तृणमूल कार्यकर्ताओं में हल्की झड़प हुई, लेकिन शुरुआती 2 फेज जैसा टकराव नहीं था। यूपी के संभल में थोड़ा तनाव जरूर हुआ। चार घटना हुई है। कल रात को वेल्ला में पीडीसीसी बैंक खुली हुई थी, पहला मुद्दा। दूसरा, भोर में बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी गई, ऐसा वीडियो घूम रहे। और तीसरा, बारामती में भी कई जगहों में ऐसी खबरें आ रही है। तो बारामती, भोर, बहुत सारी जगहों से ऐसे वीडियो आ रहे हैं। हम चुनाव में पैसे बांट रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है, कितना तथ्य इसमें? बिल्कुल तथ्य नहीं, बिल्कुल तथ्य नहीं। आदमी पकड़ा गया था। अरे उसको पूछो ना, वो ऐसा भी करेंगे, उनका ही आदमी भेजेंगे और उनको बोलेंगे तुम ऐसा ऐसा बोल, ऐसा भी कर सकते, वो कोई भी कुछ भी कर सकते। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। 14 out of 14 वी विल विन। आज की वोटिंग हाइलाइट्स आपने देखी, अब आज का वोटिंग स्कोर देखिए। चुनाव आयोग से जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक तीसरे चरण में शाम 6 बजे तक मतदान का आंकड़ा 61.2% था। ये वोट प्रतिशत 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को पहले और दूसरे राउंड के जो वोट प्रतिशत आए थे उसके करीब ही है, थोड़ा सा ही ज्यादा है। हालांकि अभी नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग इस आंकड़े को और अपडेट करेगा या कुछ दिन बाद भी फाइनल आंकड़ा जारी करेगा। वैसे टुकड़ों टुकड़ों में आ रहे वोट के आंकड़े अब नया विवाद बन रहे हैं। अब हम इस खबर के तीसरे पार्ट यानी वोटिंग के विवाद पर आते हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सारे विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी। 3 पन्नों की चिट्ठी का सार अगर एक लाइन में कहें तो उन्होंने ये लिखा कि बीजेपी ने पहले 2 राउंड में चुनाव आयोग से वोटों का घोटाला करवाया है, हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। खड़गे ने चुनाव आयोग के आंकड़ों से ही वोट घोटाले की थ्योरी रखी। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव
के पहले चरण में 102 सीटों पर वोट पड़े थे। उसी दिन शाम 7 बजे चुनाव आयोग ने लगभग 60% मतदान बताया था। 20 अप्रैल को इसे 65.5% बताया। 26 अप्रैल को चुनाव के दूसरे चरण में 88 सीटों पर वोट पड़े थे। उसी दिन शाम 7 बजे चुनाव आयोग ने लगभग 60.96% मतदान का आंकड़ा दिया था और 27 अप्रैल को इसे लगभग 66.7% बताया था। लेकिन 30 अप्रैल को चुनाव आयोग ने दोनों चरणों का अंतिम मतदान प्रतिशत जारी किया। इसमें पहले चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत 66.14% और दूसरे चरण का अंतिम डेटा 66.71% घोषित किया गया। यानी पहले चरण का वोट प्रतिशत 11 दिन बाद 5.5% ज्यादा और दूसरे चरण का अंतिम वोट प्रतिशत 4 दिन बाद 5.74% ज्यादा पाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वोटिंग के फाइनल डेटा में इतना उछाल उन्होंने 52 साल के करियर में नहीं देखा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को सबसे निचले स्तर पर बताकर उससे सवाल पूछे कि 24 घंटे में आने वाले आंकड़े 4 और 11 दिन लेट क्यों आए, किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट बढ़े क्यों नहीं बताया गया, वोट वहीं तो नहीं बढ़े जहां सत्तारूढ़ दल का प्रदर्शन खराब था, नए आंकड़े क्या अंतिम रिजल्ट बदलने की कोशिश तो नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को के मन में संशय और सवाल, पूरे देश के मन में, हर वोटर के मन में एक सवाल है जो चुनाव आयोग से पूछा गया, हम सब ने पूछा कि पहले और द्वितीय चरण की पोलिंग परसेंटेज के आंकड़े जारी करने में आपने इतना विलंब लगाया, उसमें जो अंतर आया उस पर अभी कोई जवाब किसी को मिला नहीं है। इन्हीं सवालों को लेकर तृणमूल कांग्रेस भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी। ये विवाद किस दिशा में जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। पहले चरण में जिन 190 सीटों पर वोट पड़े, 2019 में बीजेपी के पास उनमें से सिर्फ 93 सीटें थी। इनमें तमिलनाडु और 20 सीटों वाला केरल भी था, जहां 2019 में बीजेपी शून्य थी। लेकिन इस बार बीजेपी शुरू से ही चौंकाने वाले नतीजों, चमत्कारी परिणामों का दावा कर रही है। 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर दिए आदेश में एक बात स्पष्ट कर दी थी कि देश अब बैलेट पेपर के युग में हरगिज नहीं लौट सकता। तो क्या अब ईवीएम नहीं बल्कि मैच का अंपायर चुनाव आयोग ही निशाने पर होगा? अगर बीजेपी दक्षिण में वाकई चौंका देती है तो विपक्ष पहले से ही जमीन तैयार कर चुकी है कि देखो हमने कहा था ना। वोटिंग को लेकर एक और चर्चा है जो पहले चरण के मतदान के बाद से शुरू हो गई थी। विपक्ष का दावा है कि कम वोटिंग इसका संकेत है कि लोग सरकार से ऊब गए और उसे विदा कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने व्हाइट नॉइज AJ शेप्ड वोटिंग ऑन द एनुअल शीर्षक से एक रिपोर्ट में कहा है कि कम वोटिंग सिर्फ एक भ्रम है, सच ये है कि इस चुनाव में वोट देने वालों की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की तुलना में 2024 के शुरुआती दो चरणों में 8.7 लाख ज्यादा लोगों ने वोट डाले। 2019 के दो चरणों में 20.6 करोड़ लोगों ने वोट डाले थे। 2024 में यह संख्या 20.7 करोड़ है। इन बढ़े हुए मतदाताओं में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है। सबसे ज्यादा मतदाता कर्नाटक में बढ़े, उसके बाद महाराष्ट्र और असम में मतदाता बढ़े हैं। 2024 के दो चरणों में 70% मतदान बढ़ोतरी 42 रिजर्व लोकसभा सीटों में देखी गई। 2024 में विपरीत परिस्थिति है, अगले 5 चरणों में मतदान प्रतिशत बढ़ने के संकेत दिखते हैं। Z News.